RNAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे 21 सितंबर 1968 में बनाया गया था। इंडिया की इस इंटेलिजेंस एजेंसी का इतिहास, इसके द्वारा किए गए ऑपरेशंस और बेसिक फैक्ट्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा, पर क्या आप जानते हैं कि RNAW अपने अंडरकवर एजेंट्स को कैसे रिक्रूट करती है? क्या आप जानते हैं कि एक बार शॉर्टलिस्ट होने के बाद RNAW अपने अंडरकवर एजेंट्स को कैसे, कहां पर और कौन कौन सी ट्रेनिंग देती है? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम RNAW के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग करिकुलम को डिकोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं RNAW के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ही इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, पर 1962 वॉर में आईबी के इंटेलिजेंस फेलियर के चलते इंडिया को एक सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई और 1965 के वॉर के बाद 1966 में इस पर काम स्टार्ट कर दिया गया और फाइनली RNAW को 21 सितंबर 1968 में सेटअप किया गया। स्टार्टिंग में RNAW प्राइमरी उन ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पर डिपेंडेंट थी, जिन्हें डायरेक्टली इस न्यू फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी में रिक्रूट किया गया था, और ये सभी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और कोई नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक्सटर्नल विंग के ऑफिसर्स थे, जिसके बाद कैंडिडेट्स को मेनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और कुछ दूसरी सिविल सर्विसेज से रिक्रूट किया जाने लगा। और टाइम के साथ इस एजेंसी ने डायरेक्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स को यूनिवर्सिटी से रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नेपोटिज्म के एलिगेशन के बाद 1983 में RNAW ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत अन्य ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के टैलेंट को ऑब्जर्व करने के लिए अपना खुद का सर्विस कार्डर RAS, दैट इज द रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस बनाया। UPSC-CSE के थ्रू डायरेक्टली सिलेक्टेड क्लास 1 एग्जीक्यूटिव लेवल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का फाउंडेशन कोर्स मसूरी में मौजूद लवासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। इस कोर्स के एंड में एक कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाने लगा, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर कैंडिडेट को एक साल के लीन पीरियड के लिए एजेंसी में इंडक्ट किया जाता है। इस टाइम पीरियड में कैंडिडेट के पास अपनी पेरेंट सर्विस ज्वाइन करने का मौका होता है और वो जब चाहे तब RNAW को छोड़कर अपनी पेरेंट सर्विस रीज्वाइन कर सकता है, और इस एक साल के बाद उन सभी कैंडिडेट्स को रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस में परमानेंटली ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। दिल्ली बेस्ड सिक्योरिटी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने एक रिपोर्ट में बताया कि RNAW टेल एंड सिंड्रोम से सफर कर रहा है, जहां पर UPSC एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट में पीछे आए कैंडिडेट्स को ये जॉब ऑफर हो रही है। दरअसल इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा RNAW में आर्म्ड फोर्सेस और ग्रुप ए सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को लेटरल डेपुटेशन के थ्रू भी रिक्रूट किया जाता है। सिविल और डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स परमानेंटली अपनी सर्विस से रिजाइन करके RAS ज्वाइन करते हैं, पर हाँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑफिसर अगर चाहे तो एजेंसी में कुछ साल सर्व करने के बाद अपनी पेरेंट सर्विस ज्वाइन कर सकता है। ये देखा गया है कि ज्यादातर सेक्रेटरीज जो RNAW के हेड होते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विस से हैं। इन सब के अलावा RNAW लिंग्विस्टिक्स और फील्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी जरूरत पड़ने पर रिक्रूट करती है। RNAW ऑफिसर्स की सर्विस कंडीशंस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिक्रूटमेंट कार्डर एंड सर्विस रूल्स 1975 से गवर्न्ड होती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। एक बार कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली एजेंसी में रिक्रूट करने के बाद उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग करिकुलम इस पर भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स डायरेक्ट एंट्री के थ्रू RNAW में रिक्रूट हुआ है या फिर लेटरल डेपुटेशन के थ्रू। ट्रेनिंग भी डिफरेंट फेजेस में कंडक्ट की जाती है। बेसिक ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स के मोराल को बूस्ट करने के लिए पेप टॉक्स के साथ होती है। ये 10 दिन का फेज होता है, जिसमें इंडक्टी को रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस और एस्पियोनाज से फेमिलियर कराया जाता है, जो कि मूवीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। बेसिक ट्रेनिंग में आगे कॉमन यूसेज ऑफ ट्रेडक्राफ्ट टेक्निक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक नॉलेज भी रिक्रूट्स को दी जाती है। रिक्रूट्स को फॉरेन लैंग्वेज में स्पेशलाइज किया जाता है और साथ ही जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान CIA, KGB, ISI, मोसाद और M16 जैसे दूसरी कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की केस स्टडीज भी प्रेजेंट की जाती है। ये बेसिक ट्रेनिंग इंडिया में मौजूद डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स के थ्रू रिक्रूट्स को दी जाती है। जैसे RNAW ऑफिसर्स को टैक्टिक्स एंड लैंग्वेज की बेसिक क्लासरूम ट्रेनिंग गुड़गांव के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में दी जाती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग फॉर टेरर पर्पस में इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई में मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस भी सेटअप किया है और यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा कई और ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इन रिक्रूट्स को RNAW ज्वाइन करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। एडवांस ट्रेनिंग,
बेसिक ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद सभी रिक्रूट्स को FIB यानी फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ अटैच किया जाता है, जहां पर उनको 1 से 2 साल के लिए फर्दर ट्रेन किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाता है। जिन्हें पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस वो इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें इस तरह से कंप्लीट किया जाता है ताकि ऑपरेशन का पता ना ही जनरल पब्लिक और ना ही एनिमी फोर्स को लगे। इसके अलावा रियलिस्टिक कंडीशंस में नाइट एक्सरसाइजेस के दौरान इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन टेक्निक्स, एनिमी टेरिटरी में पकड़े जाने से कैसे बचना है और अगर पकड़े गए तो इंटेरोगेशन कैसे फेस करना है, ये सभी स्किल्स सिखाई जाती है। किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए आर्ट ऑफ रेकोनाइटर एंड कॉन्टैक्ट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक फील्ड एजेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करेगा उतनी ही जल्दी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो आगे पास ऑन कर सकेगा। इसलिए किसी भी इंटेलिजेंस मिशन को ऑपरेट करने के लिए जरूरी सभी स्किल्स R&AW ऑफिसर्स को एडवांस ट्रेनिंग फेज में सिखाई जाती है। फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद रिक्रूट्स को दोबारा से डिफरेंट स्कूल्स भेजा जाता है फॉर फाइनल पॉलिशिंग। रिक्रूट्स को फील्ड पर डिप्लॉय करने के पहले इन्हें आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस और टेक्निकल एस्पियोनाज डिवाइस को यूज करने की एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग दी जाती है। सेल्फ डिफेंस के लिए मेनली रिक्रूट्स को क्रॉव मागा सिखाया जाता है, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा डेवलप्ड मिलिट्री सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग सिस्टम है। इसके अलावा रिक्रूट्स को फील्ड एंड आर्म्स की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दी जाती है। कई R&AW ऑफिसर्स को इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम से कमांडो कोर्स कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा स्नाइपर कोर्स, बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिस्ट कोर्स समेत कई कोर्सेज एक R&AW ऑफिसर्स को करने होते हैं। यानी आप देख ही सकते हैं इंडियन आर्मी के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में भी इन R&AW ऑफिसर को ट्रेन किया जाता है। मिलिट्री एस्पेक्ट के अलावा रिक्रूटमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन्स में भी ट्रेन किया जाता है ताकि उन्हें फॉरेन मिशन के लिए एज अ डिप्लोमेट भेजा जा सके और किसी को उनकी रियल आइडेंटिटी का पता भी ना चले। अच्छा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर एक रिक्रूट को सेम ट्रेनिंग करिकुलम कंप्लीट करना है, बल्कि रिक्रूट्स को एज पर इंस्ट्रक्शंस एक एक करके असाइंड कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। इनमें से कुछ रिक्रूट्स को तो इवन फॉरेन कंट्रीज में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फॉरेन कंट्री में भी सबसे फेमस कंट्री है इजराइल, जहां पर हमारे कई R&AW ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिली हुई है। इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद ये रिक्रूट्स रेडी हो जाते हैं फॉर डिप्लॉयमेंट। कुछ रिक्रूट्स को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, डिफेंस फोर्सेस या फिर दूसरी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अटैच कर दिया जाता है। वही कुछ R&AW ऑफिसर्स को एम्बेसी में अटैच कर दिया जाता है विद फॉल्स आइडेंटिटी, ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, अपने इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क सेटअप कर सके और टास्क मिलने पर अकॉर्डिंगली एज अ कवर एजेंट ऑपरेट कर सके। फील्ड फॉर्मेशन R&AW के पूरे इंडिया में 10 फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें स्पेशल ब्यूरो बोलते हैं, और ये डिफरेंट ब्यूरोज बॉर्डर्स के अलोंग मेजर सिटीज में लोकेटेड हैं। जैसे नॉर्दर्न जोन के हेडक्वार्टर्स जम्मू में है, जिसे एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर द्वारा हेड किया जाता है। सिमिलरली ईस्टर्न जोन, साउथ वेस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन को जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाता है, और इनके हेडक्वार्टर रिस्पेक्टिवली कोलकाता, मुंबई और शिलोंग में बेस्ड है। साउदर्न जोन और सेंट्रल जोन के हेडक्वार्टर रिस्पेक्टिवली चेन्नई और लखनऊ में बेस्ड है, और इनको डायरेक्टर द्वारा हेड किया जाता है। और लास्ट में आता है वेस्टर्न जोन, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में मौजूद है और इसको डेप्यूटी सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाता है। R&AW अब्रॉड ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ लिमिटेड है, पर फिर भी ये फुली कैपेबल होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। किसी भी कंट्री का कवर एजेंट एक डबल एज सॉर्ड होता है। ऐसे तो ये कवर एजेंट अपनी लाइफ को रिस्क पर रखकर एनमी कंट्री की सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिससे हमारी कंट्री को काफी फायदा होता है। पर हमेशा एक कंट्री को ये भी डर होता है कि कहीं उनका अंडरकवर एजेंट दूसरी कंट्री के साथ मिलकर डबल एजेंट ना बन जाए। इसलिए एक कंट्री द्वारा अंडरकवर एजेंट बनने के लिए किसी को सिलेक्ट करके उसको ट्रेनिंग देने से पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। सिलेक्शन और ट्रेनिंग के टाइम रिक्रूट्स पर इंस्ट्रक्टर्स और रिटायर्ड R&AW ऑफिसर्स की बारीक नजर होती है, और कोई भी रेड फ्लैग सिग्नल मिलने पर उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि R&AW में सक्सेसफुली इंडक्ट होने के बाद भी एजेंसी की बारीक नजर अपने हर एक अंडरकवर एजेंट पर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने R&AW के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोसेस को काफी डिटेल में जाना होगा। ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी डिफेंस एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।